नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है रादौर व आसपास के आज के मुख्य समाचार। रादौर के वार्ड नंबर 4 अंबेडकर नगर में चोरों ने सेवानिवृत्त पटवारी के बंद पड़े मकान के ताले तोड़कर घर में रखी लाखों रुपए के सोना चांदी के आभूषणों सहित नकदी पर हाथ साफ किया। इसके अलावा भी चोर घर में रखा अन्य सामान भी चोरी करके ले गए। वार्ड नंबर 4 अंबेडकर नगर निवासी सेवानिवृत्त पटवारी की पत्नी राजकला ने बताया कि वह घर से बाहर गई हुई थी। आज जब वह 11 बजे अपने घर पहुंची तो देखा कि कमरों के सभी दरवाजे टूटे पड़े थे और अंदर सामान बिखरा पड़ा था। बहू भी बाहर गई जी थी, मैं भी बहू बुढ़िया मर गई थी, मैं उसके मेले में गई हुई थी। मैं 11 बजे पहुंच लिया का देखा, मैंने गेट का ताला खोल लिया और आकर लगी मैं देखा जो मेन गेट है अंदर का वो टूटा पड़ा। तो अंदर क्या क्या देखा आपने, कितने कमरे खंगाल रखे? कमरे तो नहीं, 4-5 कमरे हैं जी। पैसे थे और बियाल तो मैंने हाथ लगा देखा जी ना क्या क्या होगा, उसका शेक का कंप्यूटर उसका सारा सामान ले गए। छोटा बास में देर रात एक व्यक्ति के पशु बाड़े में आग लग गई। आग की सूचना मिलने पर उसने आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन इस दौरान वहां बंधे दो पशु आंशिक रूप से झुलस गए। छोटा बास निवासी मेवा देवी ने बताया कि रात्रि के समय वे सोए हुए थे, तभी उन्होंने देखा कि उनके पशु बाड़े में आग लगी हुई है। उन्होंने शोर मचाया जिससे आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए और आग पर काबू पाया। हमने कोई पता नहीं है, तो फिर इतनी देर में हमारा जो मेरा देवर है नन्ना अमर सिंह वो उठा, वो लगे कहन भी आग लग रही है, तो उन्हें रोला पाया भी वो मंगे थारे आग लगी, छत में आग लगी थारे जी। मैं फिर ऊपर ते आई उतर का, एक मैस है जी, एक गऊ है, दो डंगर थे जी। डंगर बच गए, झुलस गए? नहीं, डंगर काट दिए थे बाहर, फिर हाँ झुलस गए भी बस। वह फिर जी मेरे पूत बहू उठे, उन्होंने पानी गेरा इन्हें मेरे देवर इन्हें जो कुणबे मैं उन्हें पानी गेरा, मैंने रोला पाया। भारतीय किसान यूनियन की एक विशेष बैठक गांव कांजनू स्थित जिला कार्यालय पर हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला संरक्षक जयपाल काम्बोज चमरोड़ी ने की। बैठक में जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने गन्ने के मूल्य को लेकर 15 दिसंबर को जिला उपायुक्त कार्यालय पर होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर भाकियू सदस्यों के साथ रणनीति बनाई व किसानों से इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। पिछले लंबे समय से आवर्धन नहर में चल रहे अवैध खनन को रोकने के लिए सिंचाई विभाग हरकत में आया और अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए अर्थ मूविंग मशीन की मदद से नदी की पटरी पर गहरी खाई खोद दी है ताकि अवैध खनन पर अंकुश लगाया जा सके। शहीद उधम सिंह काम्बोज धर्मशाला में सोमवार को SDM सतिंदर सिवाच की अध्यक्षता में विश्व मृदा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका रादौर के निवर्तमान वाइस चेयरमैन रोशन लाल सैनी ने किसानों को मिट्टी की उर्वरा शक्ति के फायदों के बारे में जानकारी दी। वहीं भूमि परीक्षण अधिकारी डॉक्टर नरेश भारद्वाज ने किसानों को मिट्टी जाँच के बारे व 17 पोषक तत्व की संतुलित मात्रा उपयोग करने व कमी के बारे में बताया। सहायक मंडल भूमि परीक्षण अधिकारी डॉक्टर अंकित अत्री ने मिट्टी के गिरते हुए जैविक कार्बन के अनुपात पर चिंता व्यक्त की और कहा कि किसान कंपोस्ट खाद, केंचुआ खाद व गोबर खाद खेतों में डालकर जैविक कार्बन व गुणों को बढ़ाएं। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। रादौर व आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।